हेलो एंड वेलकम अगेन टू मौसी किचन। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप दही वड़े के साथ, चाट के साथ, फ्रूट चाट के साथ और पकौड़ों के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि आप इसे आसान तरीके से घर पर झटपट कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इन्ग्रीडियंट्स हम देख लेते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम इमली और 200 ग्राम गुड़ लिया है। साथ में आप दो चुटकी नमक और आधा चम्मच जीरा, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देसी घी एक पीपली और साथ में जीरा पाउडर आधा चम्मच ले लें। तो सबसे पहले हमने इमली को भिगोना है, तो ठंडे पानी में नहीं भिगोएंगे हम इसे, पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें डाल देंगे। गर्म पानी में इमली जल्दी ही फूल जाती है, तो 20 मिनट तक आप इसे इसमें भिगो कर रख दें। 20 मिनट के बाद इमली आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आप हाथ से इसे इस तरह से इसके पल्प को अलग कर दें और गूदे को अलग कर दें। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए पल्प भी अलग कर दिया है और गूदा अलग कर दिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का यूज़ किया है, ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं इमली की चटनी उतनी ही आपको काढ़नी पड़ेगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतनी ही रहनी चाहिए। अब आप एक पैन को गर्म कीजिए। तो ये मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो देसी घी अब ये मेल्ट हो चुका है, तो इसमें आधा चम्मच जीरा डालें और उसे हल्का सा फ्राई होने दें। हल्का सा फ्राई होने के बाद अब इमली के पल्प को आप इसमें डाल दें। तो जैसा कि मैंने बताया 1.5 कप पानी ही इसके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा ना डालें। उसे इस तरह से अब आप मिला दें। इसमें जब हल्का सा उबाल आने लगे तब आप इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिला दें। इन चीज़ों को मिलाने के बाद अब आप इसमें गुड़ को डाल दीजिए। गुड़ को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, तो आप भी इस तरह से तोड़कर गुड़ को डाल दीजिए और गुड़ के मेल्ट होने तक अब हमने इसे चलाते जाना है। गैस के फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम रख लें। गुड़ को पिघलने में लगभग 3 से 4 मिनट तक लगेंगे, तो तब तक आप इसे हिलाते रहिए। धीरे धीरे गुड़ पिघलता जाएगा और आपकी चटनी इस तरह से तैयार होती जाएगी। गुड़ की जगह यहाँ पर आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आप इसे इस तरह से हिलाते जाइए, धीरे धीरे गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और इसमें इस तरह से बबल उठने लगेंगे। 2-3 मिनट तक अब आप इसे काढ़ लीजिए। 2-3 मिनट के बाद अब आप इसमें पीपली को पीस कर रख लीजिए और उसे डाल दीजिए। ये डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है और थोड़ा तीखापन लाती है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, साथ में आप भुना हुआ जीरा, इसे ज़रूर डालें। जीरे को पहले रोस्ट कर लें और पीस लें। इसके बिना आपकी चटनी बहुत अधूरी है और बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, तो इसे ज़रूर डालिएगा। बस अब आप इस तरह से इसे मिलाते जाइए और जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे गाढ़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 15-20 दिन तक इसे खाएं, 1 महीने तक ये चटनी हमारी चले, तो इसके लिए आपको इस चटनी को भी 1 तार की बनानी पड़ेगी। 1 तार की जब आप चटनी बना लेंगे तो इसे आप 1 महीने तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर अच्छी तरह से काढ़ लिया है। अब मैं इसे उतारने से पहले चेक कर लूँगी। तो हल्की सी चटनी को इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में लेते हुए आप चेक कर लीजिए। 1 तार की चाशनी बन रही है, तो गैस को ऑफ कर दें और इसे उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद भी चटनी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस बाउल में अब इसे इस तरह से डाल लीजिए। तो अब आप इसे चाहे तो पकौड़ों के साथ, चाट के साथ, भल्ले के साथ आराम से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इस तरह से चटनी ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।